अभी जो हमारे पास जो सिस्टम है, अब हमारे पास जो काम है वो डॉकर की फाइल बनाना है, अपने सिस्टम के अंदर डॉकर चलाना है, डॉकर की ऐप बनानी है, डॉकर ऐप बनी है बस डॉकर की फाइल क्रिएट करनी है। अच्छा कोई अब ये होगा कि मैं सिस्टम विंडोज़ का सिस्टम है लेकिन ये लिनक्स को सपोर्ट करता है, मैंने कैसे डाउनलोड है? तो मैंने अपने सिस्टम के अंदर सबसे पहले विंडोज़ के अंदर WSL2 डाउनलोड की हुई है, WSL2 डाउनलोड नहीं की हुई, उसको किया हुआ है। आप यूट्यूब पे देखेंगे हाउ टू रन यूबंटू ऑन विंडोज, वो आपकी प्रॉपर इंटीग्रेशन आ जाएगी। वो इंटीग्रेशन करने के बाद डॉकर इन विंडोज करेंगे विद WSL, तो आपके पास डॉकर भी आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। वो सारी चीजें होने के बाद फिर हमारे पास जो आगे चीजें बनती है, अब साथ चल रहा है, मैं यहाँ पे लिखूँ डॉकर वर्जन VERSION वर्जन, तो मेरे पास डॉकर का पूरा वर्जन आ गया, कम्युनिटी एडिशन है, लिनक्स है, कब डाउनलोड हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ से इसमें आ गई। अब कोडिंग है, क्योंकि हम बना रहे हैं डॉकर फाइल, तो डॉकर फाइल हम डायरेक्ट बनाएंगे, तो हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि हम हमारे पास एक ऐप मौजूद है। अब ऐप कोई भी हो सकती है, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ, तो ऐसा लोडिंग मेरा डॉकर में तो ऐसा भारी है सिस्टम का, पर उसके बाद फिर कुबरनेटीज भेजिए तो और भारी हो जाएगी, टाइम लेगा ये 5.8 टाइमिंग। अच्छा मैं खुलता तो ये देख लेते हैं, तो डॉकर है। अब डॉकर अब डॉकर के अंदर हमारे पास फाइल्स, हमारे पास सिस्टम। अब ये डॉकर यानी कोई भी आपके पास एक ऐप है, उस ऐप के अंदर आप स्पेसिफिक ये फाइल क्रिएट करते हैं विद दिस सेम नेम। उस फाइल के अंदर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, पहले जितनी भी पढ़ते हैं सारी बातें कि हम एक फाइल बनाते हैं, इसके अंदर हम सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो फाइल बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन की फाइल है। पहले हम सिंपल देखेंगे सिंपल फाइल कैसे करते हैं, फिर हम एक थोड़ी सी एडवो नोड जेएस की जो फाइल है, फिर हम वो भी देखेंगे, दोनों फाइल हम देखेंगे। अभी थोड़ा सा ये चल जाए, इसको दोनों देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे। फिर हमारे पास हम अपनी जो ऐप है, अपनी जो भी कंटेनर है, उस कंटेनर को हम डॉकर पे कैसे पुश कर सकते हैं वो भी देखेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या कहते हैं वॉल्यूम विंड माउंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। सारा भी है इसके लिए, थोड़ा सा स्लो हो रही तो आप थोड़ा सा उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, करने कर सकते हैं क्या करने। अच्छा अब अभी मेरे पास खाली कंटेनर खाली है, कुछ भी नहीं, तो मैं एक यहाँ पे एक ऐप बना लेता हूँ। मैंने एक नई फाइल बनाई, अब ये वो काम है नहीं, किसी ने ऐप बनाई हुई है, मैंने इसको एक पेपर कुछ भी कोड नहीं था, तो मैंने एक कोड यहाँ पे लिख लिया इंडेक्स, HTML मैंने यहाँ पे फाइल बना दी। अब ये कोड फाइल, अब कोई भी कोड फाइल हो सकती है, मैंने index.html बना लिया, प्रॉपर कोड फाइल सब कुछ करके कर सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल सी एक कोड फाइल हमने यहाँ पे बनाई है। सॉरी बैक अगेन। अब हमारे पास एक फाइल थी, हमने सिर्फ इंडेक्स फाइल अपने पास एक जनरेट की थी, इंडेक्स फाइल आ गई थी। अब हमारे पास कभी अभी कोई कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, तो पर हम या बैकग्राउंड है तो हमको चीज़ें पता ही होंगी, कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तो हमने यहाँ पे HTML फाइल, तो HTML फाइल क्या होती है, जो भी हम ब्राउजर के अंदर हम देखते हैं, जो भी हम सामने देखते हैं, कोई भी खूबसूरत खूबसूरत एप्स बनी हुई है, सारी क्या है इनके पीछे बैकएंड HTML है। इनको खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास CSS एक चीज है वो यूज करते हैं, और उसको डायनेमिक मीन्स के और मजीद इसको अंदर खूबसूरत बनाने के हम जावास्क्रिप्ट यूज कर होते हैं प्रॉपर, और बैक एंड एक अलग कहानी है, तो हम ये चीजें यूज करते होते हैं। HTML एक बेस है जिस पे सब कुछ बन रहा होता है, तो हमने कुछ ये फाइल जनरेट कर रहे हैं, ये जो भी लिखा है सब कुछ कहाँ से लिखा है, Shift 1 ये आया आ गई, कंट्रोल खुद ही आ गया सर। ये क्या होता है, ये हमारे पास नेम होता है, जो भी हम नेम रखना चाहें इसका, मैंने माज रख दिया,
और यहाँ हमारे पास जो भी कोड लिखेंगे जो हमें जो दिखेगा वो उस पेज पे हमें दिख रहा होगा। हम इसको H1 लिखा, H1 मास DOCKER डॉकर, और मैंने यहाँ पे एक पी लिख दिया, पैराग्राफ पी मीन्स पैराग्राफ का टैग। अब यहाँ पे मैंने कोई भी टैग हो सकता है, मैंने लॉयल एक्सेप्शन लिख दिया और मैं ऑल्ट जेड करूँगा तो मेरे पास ये एक ही सिंपल पेज में आ जाएगा। एक कोई भी हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम बटन लिख दें, बटन डाल दें कोई, ये सब HTML CSS की कहानी। सबमिट या फिर सर्च लिख देते हैं SEARCH। ये हमारे पास एक कोड आ गई, एक ऐप बनी है हमारे पास, इसमें हेडिंग डाली हुई है मान इसकी, फिर कुछ कोड लिखा हुआ है, फिर हमारे पास एक बटन बना हुआ है सर्च का, ये एक ऐप चल रही है हमारे पास। अब इस ऐप को हम चाह रहे हैं कि बहुत छोटी सी बेसिक ऐप है, हम चाह रहे हैं कि इसको हम क्या बनाएं, कंटेनर में लेके जाएं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ये टर्मिनल लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया, न्यू टर्मिनल हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये शेप खुल जाएगी। जब ये कुछ नहीं लिखा होगा या आपके पास कुछ नहीं आएगा, ये मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्या आएगा इसमें। ये आपके पास तकरीबन ऐसे खुलेगी। अब अगर आपने आपके पास सिस्टम के अंदर सारी चीज़ें डाउनलोड आपने की हुई है, विंडोज से डॉकर सब चल रहा है, तो आप यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ से आप उबंटू WSL इन दोनों पे ट्राई करके देखेंगे आपके किस पे सिस्टम चल रहा है। मेरा इस पे चला था तो मैंने अपने उबंटू ये क्लिक खोल लिया, मेरे पास ये यहाँ उबंटू आ गई। आप खोलेंगे तो आपके पास डायरेक्ट उबंटू आ जाएगी, उबंटू यहाँ आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास सारी उबंटू चल रही है, यानी जो टर्मिनल हमारे पास था वो टर्मिनल हमारे पास यहाँ सब इस वक्त चल रहा है। ये सबसे अच्छी बात है इसकी, ये सारे काम हम उबंटू पे भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए आसान होती है, विजुअल होती है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा कोड डीप में नहीं होते। अच्छा, अब हमें बनानी है यहाँ पे एक डॉकर फाइल, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं इसको कंटेनर बनाना। एक न्यू फाइल ऐड की, हमने यहाँ पे लिखा डॉकर DOCKER स्मॉल FIL डॉकर फाइल। यहाँ पे मछली बनी हुई भी आ गई, यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब हमारे पास आने के बाद डॉकर फाइल, जब ये सिंपल टेक्स्ट है, सिंपल HTML सिंपल फाइल है, तो हमारे पास सिंपल से हम इसको क्या कर रहे होते हैं, हम अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये कोड लिखा हुआ हमारे पास, मैं इसको पहले डायरेक्ट कॉपी पहले मैं लिख लूँ, फिर मैं आपको उसको समझाता हूँ। फ्रॉम Nginx कोड डिस्प्ले आए, और अब यहाँ पे मैं ये चीज रिपीट करूँ, कैपिटल करना पड़ेगा इसको, FROM COPY कॉपी, ये भी हमें बस कैपिटल रखना इसके लिए जरूरी है। अच्छा, अब फ्रॉम Nginx, Nginx क्या है, एक सर्वर है, जिस सर्वर पे, यानी जैसे सर्वर पे जहाँ पे सारी ऐप चल रही थी, Nginx एक सर्वर है जिस पे हम अपनी एप्स भेज रहे होते हैं और सारा काम हम कर रहे होते हैं, एक सर्वर है। और ये क्या चीज़ है, ये उसकी एक फाइल है जहाँ पे हमारे पास जो सारा डाटा, सारी जो चीज़ें होती है वो स्टोर हो रही होती है, शेयर कर रही होती है, ये हमारे पास Nginx की एक ऐसी फाइल होती है। अभी डॉट से क्या मुराद है, जिस जहाँ पे आप ये फाइल बनाते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फाइल जो डॉट को रिप्रेजेंट करती है कि इस फोल्डर में, यानी जो डॉकर का फोल्डर है, डॉकर डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारे पास क्या हो जाए, इस जगह पे, इस पोजीशन पे आके क्या हो जाए, मेरे पास स्टोर है। ये जगह होती है जहाँ से मेरे पास सारी जो चीज़ें होती हैं वो रन हो रही होती है। ये सारी चीज़ें हमने ये दो कमांड यहाँ पे लिखी, इसको हमने सेव कर दी, हमारा यहाँ पे जो काम है वो डॉकर सिंपल डॉकर फाइल का यहाँ पे काम हो गया। अब हमारे पास क्या है, इसको कंटेनर बनाना है। कंटेनर कैसे बनाते हैं, कंटेनर अभी हम इसको ये रहा यहाँ है कंटेनर। अच्छा, इस डोनेट ऑल द फाइल इन करंट फोल्डर डॉट हमें इसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लोकेशन है जहाँ पे जो सारी जो हमारे पास फाइल होती है उस जगह जाके ट्रांसफर होती है और वहीं जाके हमारे पास काम होती है। अब ये हमारे पास कमांड है, ये कमांड क्या है, ये हमारे पास कमांड है जिसके जरिए से हम डॉकर की, ये डॉकर की इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। कौन सी कमांड है, ये भी कंट्रोल सी, मैं डॉकर इस पे आया, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कंट्रोल वी, ये आ गई। अब मैं यहाँ, चलो आ गई, मैं इसको लगा, और
ये डॉकर, ये डॉकर कमांड, जहाँ जहाँ डॉकर की कमांड लिखेगी उसके साथ हमारे पे डॉकर लिखना ये जरूरी है। हाँ एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, ये हमारे पास जो एंजिनिक्स है इसके मुख्तलिफ हमने देखा था कि वर्जन्स होते हैं, मुख्तलिफ वर्जन में से इस वक्त जो वर्जन, अगर हम कुछ भी ना लिखें क्योंकि वर्जन कुछ होता है लेटेस्ट, LATES की लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट होता है और एल्पाइन होता है, और भी हमारे पास बहुत सारे वर्जन होते हैं। अभी हम जब कुछ भी नहीं लिखते तो हमारे पास क्या होता है लेटेस्ट ले लेते हैं, जैसे आपके मोबाइल के वर्जन आते रहते हैं वो हमारे पास बहुत सारे इसके भी होते हैं। अभी हमने कुछ नहीं लिखा है तो हमारे पास लेटेस्ट को बहुत लेटेस्ट ले लेगा। अच्छा ये डॉकर इमेज, ये हमें क्योंकि हम इमेज बिल्ड कर रहे हैं बिल्ड, और अब वेबसाइट का नेम हम यहाँ पे कोई भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूँ, मैं इसका दे दूँ MAAZD डॉकर, और मैं वर्जन के अंदर लिख दूँ V1 वर्जन 1, और ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीजें हैं आप उसका एक कंटेन, उसकी एक इमेज बिल्ड कर दें। हमने एंटर किया, ये इसने अब इमेज जो है हमारे पास बिल्ड करना शुरू कर दी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं जब बिल्ड हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर शुरू हो जाए, मेरे सिस्टम अभी थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा, तो फिर देर में आपसे। अच्छा ये मैं भाई डॉकर की फाइल है जो डाउनलोड होना हमारे पास शुरू हो गई। अच्छा मैंने जब लिखा था तो मेरे पास दो एरर आए, एक ही एरर था वो क्या था कि जो भी आप नाम दे रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने यहाँ एम था उसको स्मॉल किया, जिसकी वजह से एरर हुआ। जब मैंने सारी चीज़ें स्मॉल कर दी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, सिस्टम में चलना शुरू हो गया। इसे लिनक्स सर्च पर लिख गया, चल रहा है इंटरनल लोड पैकेज इग्नोर, सारी जो चीज़ें थी इसे डाउनलोड करना शुरू की सारी। ये है असल काम, फॉर्म डॉकर के अंदर लाइब डॉकर आया, डॉकर IO के अंदर गया, लाइब्रेरी के अंदर वहाँ से इंजीनियर्स डाउनलोड की, फिर उसने सारा जो फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर जो हमने इसको दिया था वहाँ पे इसने डाउनलोड कर लिया, फिर इसने लेयर्स खुद बनाई, लेयर्स बनाने के बाद फिर इसने यहाँ पे इमेज का हमें यहाँ पे लिंक दे दिया। अगर अब हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम क्या लिखें, डॉकर DOCKER डॉकर IMAGE इमेज, इमेज है इमेज नहीं है, DOCKER डॉकर इमेजेस, ये डॉकर इमेजेस आ गए। अभी हमने जो इमेज बनाई थी वो ये मास ये, और यही वर्जन हमने उसको दिया था, ये वर्जन हमारे पास उसको यहाँ दे दिया, और ये क्या है उसकी, ये उसकी हमारे पास आईडी है, ये बता रहा है कि अभी अभी 1 मिनट पहले हमने इस आईडी को बनाया। अभी हमने डॉकर बना दिया, अभी हमने इमेज बनाई है, कंटेनर नहीं बनाया, अब हमें क्या करना है उसको कंटेनर बनाना है, तो हम वापस आए इस फोल्डर के अंदर, कंटेनर की कमांड क्या है ये भी, कंट्रोल सी इसके अंदर आए, कंट्रोल वी डॉकर एंड नेम। अब यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, अब मैं पहले पहले मैं यहाँ इस पे आऊँ, इतना हो रहा है, एनी नेम यू वांट, यहाँ पे हम किसी भी फाइल पे कोई भी नेम दे सकते हैं। इस जगह पे हम जैसे मैंने दे दिया डॉकर, मैं यहाँ पे डॉकर नहीं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ ASDR, बस नेट सब कोई भी नाम हो गया। अब यहाँ क्या आएगा उसका ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम क्या है हमारे पास MASD। अब ये पोर्ट क्या है, जब भी हम एंजिनिक्स से चला रहे होते हैं ना, एंजिनिक्स पर सर्वर बनाते हैं तो हमारी जो पोर्ट होती है वो उसकी बाय डिफॉल्ट 80 होती है, और ये जो पोर्ट है ये हमने अपनी मर्जी से दी, सिस्टम की कोई भी पोर्ट हो सकती है। और ये बाकी कमांड, कमांड क्या है डॉकर रन -D, अब ये नेम हुआ, नेम दे दिया हम AST है, फिर P आया, फिर ये हमने पोर्ट दी 80 और मास्ट। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा, अभी बचे रन होगी कमांड, अभी क्या रहा है कि चेक कर रहा है कि लोकली इसको नहीं मिली है, अभी क्या आ जाएगा वापस नीचे आएगा, तो भी डाउनलोड करेगा मुझे थोड़ा सा इसको, ये डॉकर एक बड़ी जैसे कितनी MB की फाइल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। मैं
अभी तो इसको स्टॉप करता हूँ, चल जाए तो मैं आपको वापस एंड करता हूँ। मैं लास्ट मैंने आपको ये भी स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि हम जब भी क्या कहते हैं कोई वर्जन नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट वर्जन हमेशा क्या लेता है, वो बाय डिफॉल्ट हमेशा जो वर्जन है वो हमारे पास लेता है लेटेस्ट, क्योंकि हमने ऊपर तो लेटेस्ट नहीं था, हमने जब ऊपर वर्जन बनाया था वर्जन क्या दिया था हमने V1, तो हमने इसको मैंशन करना था, मैंशन हमने नहीं किया था, या हमने इसको वर्जन मैंशन किया तो हमारे पास वर्जन चल गया। अब ये इमेज हमारे पास से चल गई, इसकी इमेज का लिंक आ गया। जब हम अगर हम यहाँ पर डॉकर PS लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास सारी रनिंग इमेजेस हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास रनिंग इमेज है, इमेज का नेम, इसकी कंटेनर एक ID और इतने सेकंड बनी है, उस पर हमने कौन सी पोर्ट दी है सारी आ गई। अच्छा, अब ये पोर्ट हमारे पास है, अब हम आए इधर अपने सिस्टम के अंदर, हम यहाँ आए, यहाँ पर हमने प्लस का साइन किया, लोकल लोकल होस्ट डॉट 8001, ये हमारे पास आ गए। हमने मार्स डॉकर लिखा था, लोरा मिशन भी आ गया, ये सर्च भी हमारे पास आ गया, पूरी जो फाइल थी हमारे पास उठ के यहाँ पे आ गई। हम बड़ी खूबसूरत बनाते हैं, सब कुछ होटल सब कुछ हमारे पास यहाँ रन होके आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, ये हमारे पास एक सिंपल फाइल हो गई। अगर अब हमें पास नोट जेएस की फाइल है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक नोट जेएस की फाइल लेता हूँ, नोट जेएस की फाइल, कोई प्रोजेक्ट मेरे पास अगर पड़ा हो, मेरा नोट प्रोजेक्ट, ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे नोट प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने इस प्रोजेक्ट को कॉपी किया। अब आप यहाँ डायरेक्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर भी सब बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी बनाना नहीं चाह रहा। अब मैं इस क्या कर रहा हूँ, उस नोट प्रोजेक्ट को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने इस फाइल को, मैं आया कहाँ पे, मैं आया अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आने के बाद एक मैं इसको बंद कर देता, मैं कहाँ आया, डेस्कटॉप पे, यहाँ मैंने बनाई थी, मैंने यहाँ किया और यहाँ मैंने क्या कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया इस फोल्डर पे अपने कोड को, ये पेस्ट हो जाएगी। अब पेस्ट हो जाएगी तो मैं स्पेसिफिक इस फोल्डर के अंदर जाके मैं अपनी ये जो ऐप है मैं खोल दूंगा, एक बार करके इसको अगेन पॉज करता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। अब हमारे पास क्या आ गई, नोट की फाइल यहाँ पे हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने पहले बनाया था, नोट की फाइल के अंदर आए, इस फाइल के अंदर हमने क्या कर दिया, अब यहाँ पे हमने अपना जो ये गूगल विजुअल स्टूडियो में हमने ओपन कर लिया। फिर ओपन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, मैं इस वाले को क्लोज करता हूँ क्योंकि इसका हमारा काम जो था वो कम्प्लीट हो गया। मैं इस वाले को क्लोज कर लूँ, क्लोज बंद हो जाएगा हमारे पास, अब इसका काम खत्म, अभी नया हमारे पास खुलेगा, इसमें हमारे पास जो काम है वो सारा काम कर रहे होंगे। अच्छा, फिर हमें ये सारी फाइल है जो पूरे कोड के अंदर में, क्योंकि जैसे आपको भी नहीं पता कि कोड क्या है, एक कोड आ गया किसी ने, अब हमें उसको डॉकर बनाकर हमें उसको रन करना है, तो हमारे पास डॉकर के जो भी कमांड है हमारे पास ये है, मोर इंस्ट्रक्शन डॉकर का फाइल नोट जेएस। अब मेन जो नॉर्मल डॉकर नोट जेएस की फाइल होगी तो उसके लिए हमारे पास फिर यही काम करना होगा, लेकिन कोई चेंज होती जाती है वक्त के साथ साथ, तो फिर हमें उसके लिहाज से अपनी जो फाइल है ये क्या कहते हैं ये कमांड्स उसके अंदर चेंज करना होता है। एक एंट्री पॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है, फिर उसका भी नहीं देखेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह उसको भी। फिर हमारे पास उसको पुश करना है, पुश करने के बाद फिर आखिर में भाई बिन माउंट का जो है वॉल्यूम ये हमें बनाना है, मेरे पास खुल गया। अच्छा, रन वही काम करेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ से हमने न्यू टर्मिनल खोला, न्यू टर्मिनल खोलने के बाद हमारे पास कोई हमें नहीं देखने की जरूरत नहीं कि क्या ऐप चलनी होगी तो हम डायरेक्ट उसी पे देख लेंगे जब उस पर चलेगी ऐप। ये भी खुले थोड़ी सी, ये आ गया, मैं आ गया हूँ, ये भी चले डाउन, ये भी अगर हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन नोट था आगे, तो ये पब्लिक फाइल है, जितनी भी फाइल वो फाइल्स होती हैं जो हमारे लिए जो जो भी हम कोई गूगल का बंदा है उसको पास हम देते हैं, उसको हम क्या दे देते हैं, उसको जितनी डिजाइनिंग होती है वो नजर आ रही होती है, और उसके बाद जो भी हम अपनी इमेज पे फोल्डर लगाते हैं वो दिख रहे होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट वो कर रहे होते हैं वो होता है। सो जहाँ पे हमारे पास जो असल जो फाइल है वो हमारे पास खुल जाती है, टेम्पलेट्स ये हमारे पास ये अलग चीज आ जाती है। अब ये प्रोजेक्ट और जेसन सब नोड जेएस के जरिए से काफी आसानी से बन जाते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डॉकर चल रहा है,
हमारे पे यहाँ पे डॉकर चल रहा है सिंपल सा है। इस कमांड की जगह में यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट यहाँ की जगह डिलीट डिलीट नया खोलेंगे और सब टर्मिनल न्यू टर्मिनल ये हमेशा जहाँ जहाँ हम कराएंगे देता है लेकिन इसमें कोई दे नहीं रहा है अभी देगा ये गिट पावर शेल गिट बैश कमांड प्रॉम्प्ट जावा स्क्रिप्ट के टर्मिनल और शायद मैं फिर दिन इसमें काम करता हूँ कि आपको मैं इसमें काम अच्छा ये हमारे पास एक उबंटू चल गया मेरा और भी जब होता है कोई ऐप खोल लेना कोई फोल्डर खोल लेना जब भी आप टर्मिनल पे जाएंगे तो आपके भाई ऑप्शन से सारे आ जाते हैं। मैं पहले डायरेक्ट ऐसे सोचा डायरेक्ट दे नहीं रहा था अभी अच्छा इसमें भी हमें वही सेम काम करना है। कहीं पहले हमें इसको पूरा सिलेक्ट किया पूरे फोल्डर को सिलेक्ट किया यहाँ पे हमने नई फाइल का बन दिया कहाँ जा रहा है सही है हमने यहाँ पे लिखा DOCKER डॉकर फाइल डॉकर फाइल हमारे पास यहाँ आ गई डॉकर फाइल हम जितने डॉकर फाइल क्रिएट कर रहे हैं फिर हम इसको फिर डॉकर फाइल में क्रिएट करते हैं। अच्छा ये हमारे पास फाइल थी मैं आपको जो फाइल शेयर करूंगा उसके अंदर पहले से इस तरह पे मौजूद है डॉकर फाइल और नोड जेएस स्पेसिफिकली नोड जेएस के लिए हमारे पास ये है। सबसे पहले अल्पाइन अब अल्पाइन हमने क्यों लिया क्योंकि अल्पाइन एक बहुत छोटा वर्जन सबसे छोटा वर्जन है हमारे पास एंजिनिक्स से ये आर एंजिनिक्स से ही रहा है हमारे पास सबसे छोटी उसकी हमारे पास एक वैल्यू है जिसकी वजह से हमने इसको लिया। जैसे हमारे पास कोड फाइल है इसको डिलीट कर देते हैं उसके बाद ये लेबल है इसको भी एंड तक डिलीट। अब ये लेबल अभी लेबल क्या है ये बताने के लिए कि कोई बंदा है जब उसको कोड दे तो उसको पता हो यार ये किस बंदे ने लिखी है और कौन है अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे आके बता सके भाई ये आपने यहाँ गलती की है उसको सही कर लें तो ये आ गए। अब ये जो फाइल है रन जब जब आपकी नोट जेएस की फाइल आएगी तो ये कमांड आपके पास लाजमी है ऑल नोट जेएस एप्स। उसके बाद फिर हमारे पास ये है फिर ये प्रोसेसर को खोल लो ताकि आसानी हो जाएगी। फिर उसके अंदर हमने क्या किया था src सोर्स यूजर सोर्स स्लैश एनजीएनएक्स एचटीएमएल इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ कॉपी करना है सोर्स के फोल्डर सारे हमारे फोल्डर सोर्स के फोल्डर के अंदर डाल दें ये हमें करना है इसके अंदर। और उसके बाद फिर अब ये वर्क डायरेक्टरी क्या चीज़ है इस वक्त हम क्या कर रहे हैं इस वक्त हम एक इन क्या कहते हैं डेस्कटॉप के एक फोल्डर के अंदर यहाँ मौजूद है ये इसकी डायरेक्टरी क्या है हमारे पास ये है। हम क्या कह रहे हैं भाई आप इस डायरेक्टरी में रहते हुए काम नहीं कर रहे अब आपके पास नीचे जितने भी काम करने हैं आपको इस सोर्स के डायरेक्टरी में जाके वहाँ करने हैं यहाँ आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं इसको हमें बताने के लिए फिर हमने ये सोर्स का बटन यूज़ किया था। फिर npm ये नोड जेएस का ही है जिसको वो इंस्टॉल करेगा उस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेगा ये हमारे पास जाके। और उसके बाद फिर ये क्रिएटेड बाय मास ये हमारे पास इसका नाम हमारे पास ये और मजीद लेबल है जिस तरीके से ऊपर है जिस तरीके से ये हमारे पास है उसी तरीके से ये भी लेबल है इस तरीके से इन्वायरमेंट हमें बताया होता है कि किसने बनाया है क्या चीज़ है। अभी एक्सपोज मतलब जो पोर्ट जैसे लास्ट टाइम हमने पोर्ट P80 पे ही चल गया था हमारे पास पोर्ट हमें अगर याद हो पोर्ट मेरे पास अगर कंटेनर इसको बंद हुआ होगा मेरे ख्याल से ए पोर्ट हमने दी थी जब हम उसको आखिर में कंटेनर रन कर रहे थे कोड पे तो 801 दी थी। अब यहाँ पे हमने जो पोर्ट दे दी अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते तो हमने 8808 हमने दे दी ये हमने अपनी मर्जी से कोई भी पोर्ट दे सकते। अभी एंट्री पॉइंट क्या चीज़ है हमारे पास एंट्री पॉइंट ये है कि जब भी हम नोट की फाइल जब रन कर रहे होते हैं ना तो उसका जो एक कमांड है इसकी जो रन करने का जो एक ऐप है हमारे पास वो होता है नोट यानी जब हम यहाँ पे अगर कोई हमें नोट की फाइल चलानी है हम लिखते हैं नोट ऐप डॉट js हम ये लिखते हैं तो हमारे पास जो नोट की फाइल है वो चलती है। अब हम क्या कह रहे हैं उस वहाँ सिस्टम में जाओ सिस्टम में जाके ये कमांड लिखो ये कमांड लिखने के बाद फिर आप इसको तरीके से उस क्या कहते हैं
सर्वर के अंदर ये कमांड लिख के आप इस ऐप को चलाओ। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है मेरे सर्वर को, क्या एरर है ये, मैं इसको नेटवर्क खत्म करी, एरर क्या दे रहा है ये, अननोन इंस्ट्रक्शन नोड जेएस नोड ऐड डॉट जेएस की स्पेलिंग सही है, डॉकर फाइल यूटिलिटीज ऐड डॉट जेएस प्रॉब्लम मैं तो इसको चेक करके बताता हूँ। अब जो एरर था वो ये था, ये एरर था क्योंकि अब मैंने जब कॉपी वहां से किया तो इतना छोटा सा एक एरर था जिसकी वजह से सारी चीजें बाई थी। अब वही वाला काम जो हमने पहले किया था, ऐप रन करना बिल्ड करना, वो हमारे पास यहाँ से आएगी। अब मैं यहीं से डॉकर इमेजेस रन है, मैं हूँ बिल्ड की इमेज बिल्ड मास की, अब वही वाली इमेज आ गई, डॉकर इमेज बिल्ड वर्जन 1 मास डी। अब मैं मास डी के बजाय इसका नाम कर देता हूँ नोड, NOD नोड डी वर्जन 1 डॉट के मीनिंग भी वही, अभी वर्जन हमारे पास इसको बिल्ड कर लेगा, या उसने बिल्ड की। अब वो सब कुछ जो सेम जो फाइल हमने पहले किया था तकरीबन वही वाला काम है। अब इस बार जो है वो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो टाइम है ज़्यादा लें, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल है ये बड़ी है और ये आपके डिपेंड करता है कि आपका अपना जो नेट है वो किस तरीके से चल रहा है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। लेकिन यहाँ तक मुझे इस वक्त अंदाजा है थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लेगी, तो मैं इसको रन होती तो फिर मैं आपको ऐड कर। अच्छा मैंने अभी आपकी थोड़ी सी कोशिश की कि डाउनलोड हो जाए डाउनलोड हो जाए, लेकिन मेरे पास एक एरर स्टिल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आपके पास पैकेज एज ब्रोकन। इस एरर को मैं अभी थोड़ी देर में देखता हूँ, इसको मैं बाद में देखूंगा। अभी मैं वापस से क्या करता हूँ, अभी मैं पर डॉकर की हमने इमेज बना ली थी, इसमें डॉकर की इमेज बना ली थी सिंपल, अपन यूजर टैक्स में बना ली थी, और क्या कहते हैं हमने नोड जेएस में डॉकर की फाइल बना ली है। बस ये रन एपीटी इंस्टॉल का एक एरर आ रहा है, एरर मेरे पास क्या आ रहा है, अगर आपके पास ना, मेरे पास एरर जो आ रहा है वो आ रहा है npm कमांड npm इंस्टॉल, जब आप रन करेंगे तो इस पे एरर है, इस कमांड पे एरर है। तो अभी एरर है तो मैं अभी इसको npm इंस्टॉल पे एरर है तो मैं अभी इसको नहीं जाऊंगा। फिर मैं क्या करेंगे, अब मैंने एक जो फाइल कराई थी, कौन सी फाइल बनाई थी, docker psm करते हैं तो हमें रनिंग कमांड्स मिल जाती हैं। सो हमारे पास डॉकर की रनिंग कमांड जो हमने लास्ट बनाई थी सिंपल वाली, वो हमारे पास चल रही 2 घंटे पहले की बनी हुई फाइल थी। अब हम इसी फाइल को डॉकर हब पे पुश करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ऊपर आते हैं, ऊपर आए ऊपर आए। सबसे पहले तो हमें डॉकर पे लॉग इन होना है, ये रहा हमारे पास डॉकर, सबसे पहले हम यहाँ पे होंगे डॉकर पे लॉग इन docker डॉकर login लॉग इन, डॉकर लॉग इन हुए हमसे पासवर्ड पूछेगा, आ जाओ फिर लोडिंग लेके हमसे पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड पूछने के बाद फिर हमें यूजर नेम खुद ही देगा, पासवर्ड देना होगा, फिर हमें यहाँ पे ये वाली जो कमांड है इसको रन करना होगा। इसके अंदर डॉकर है टैग, टैग मींस आपके पास हमें जो इमेज है उसको टैग करना होता है, तो इमेज का जो नाम हमारे पास है फिर यूजर इमेज, चूँकि हमारे पास ये लाजमी है ये काम करना, काम करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें फिर आगे चलेंगी। और फिर डॉकर पुश के हमारे पास पुश की एक कमांड है, ये दोनों कमांड्स में क्या फ़र्क है फिर हम इसमें देखेंगे। पहले ये भी यहाँ पे हम आते हैं, क्या आ गई लॉग इन फोटो, क्योंकि लॉग इन में पहले से हुआ हुआ था तो लॉग इन हमारे पास क्या हो गई, सक्सीडेड हो गई। सक्सीडेड होने के बाद फिर हमारे पास लॉग इन होने के बाद क्या कमांड है, हमें टैग करना है, तो हम यहाँ आए ये वी दबाया डॉगर टैग। अब टैग के अंदर हमारे पास इमेज का नेम क्या है, इमेज नेम क्या है हमारे पास, इमेज नेम है मास MAZ मास डी, ये हमारे पास इमेज नेम है। अब मेरा मेरा अपना यूजर नेम क्या है, वो है मास, मैं यूजर नेम देखूँ यहाँ से, ये काफ़ी मैंने कोशिश करने की कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, तो मैं भी थोड़ी देर में आपको उसको उसको मैं इंशाल्लाह स्किप नेक्स्ट ही होगी। डॉकर है डॉट कॉम
आ जाते हैं तो एरर आते ही रहते हैं। ये मेरे पास आ ऐसे है क्योंकि मेरे पास कमांड दूसरे नाम से है, एन डब्ल्यू एस एल पे मैं चला रहा हूँ, उसके मेरे पास एरर मास 877। एक नाम क्या है उसका, मास 877 ये आ गई। फिर इमेज का नेम क्या है मेरे पास, मास डी टैग हो गया मेरे पास ही, तो मेरे लोड ले रहा है। फिर टैग होगा एरर रिस्पॉन्स डी में नो सच फाइल मास डी डॉट लेटेस्ट, फिर वही एरर आया। मास कहाँ है, ये रहा मास डॉट v1 आ गई। अब सेकंड कमांड हमारे पास क्या है, इधर आए, सेकंड कमांड हमारे पास क्या है, पुश फाइल इन डॉकर। अब डॉकर पुश यूजर नेम इमेज नेम, ये कमांड ये। दूसरी कमांड ये क्या है कि डॉकर रन पुश हो गई, पुश करने के बाद जब हमें उसको चलाना है, ये कमांड क्या है हमारे पास, ये कंट्रोल सी, यहाँ पर मैं लिख ही लेता हूँ, DOCK, ये डॉकर PUSH पुश, पुश यूजर नेम। यूजर नेम के बाद फिर क्या है हमारे पास कमांड, पहले यूजर नेम क्या है, मास 877 स्लैश, मास 877 स्लैश। इमेज का नेम क्या है हमारे पास, इधर आए, इमेज नेम क्या है, मा क्या था, मास डी, ये हमारे पास यहाँ पे पुश होगी। यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, अब क्योंकि हमने कोई टैग नहीं दिया उसको, यहाँ पे पुश के वक्त उसने अपना जो टैग है उसको उधर लेटेस्ट ही सपोज किया, चाहे v1 था लेकिन इसने जब पुश कर रहा है तो उसने अपना जो टैग है वो लेटेस्ट सपोज किया। टैग पाई डज नॉट एग्जिस्ट, अरे फिर वही लेटेस्ट वाला एरर आया मेरे पास। अब मैं इसको वापस करूँ डॉट v1, क्योंकि अगर मैं शुरू में नाम लेटेस्ट देता तो मैं भाई एरर आता ही नहीं, बार बार मुझे इसको, क्योंकि नाम मैंने अपने वर्जन अपने मर्जी से दिया तो ये एरर मुझे दे रहा है। अभी वर्जन अप होगा, वर्जन अप होने के बाद फिर मेरे पास डॉकर की हिस्ट्री, इमेज की कुछ कमांड्स हैं, फिर मेरे पास बिट माउंट है, लास्ट इसके टॉपिक है, फिर उसके बाद फिर हम खत्म करेंगे। उसके बाद नोड वाला काम है जो मैं इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा, अभी सारी चीज़ें खुद ब खुद कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको जब पे कर रहा है तो मैं एक और इसका कमांड खोल लेता हूँ, ubuntu-wsl का, जब तो यहाँ पे रन कर रहा था हम अपने पीछे कुछ और काम कर लेते हैं। तो डॉग पावर शेल को मैं हटाया, इमेज को चलने देते हैं, अभी कितना टाइम ले रहा है, प्रिपेयरिंग वेटिंग 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 ये ट्राइंग इन 1 सेकेंड। दिस पुश रेफर रिपोजिटरी डॉकर डॉट इमेज डॉट 87 है, ये हमारे पास आ गया DOCKER डॉकर PS। जब तक वो उधर पुश हो रहा है हम इधर अपनी कुछ चेकिंग जो है वो कर लेते हैं, चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग क्या है, ये दो कमांड्स हैं जो इमेजेस, जो हमने इमेजेस बनाई थी उसकी तमाम हिस्ट्री जानने के लिए, कि हिस्ट्री इमेज कब बनी थी, इमेज को इंस्पेक्ट करने के लिए। जब इमेज हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं डॉकर हिस्ट्री DOCKER डॉकर HIST हिस्ट्री मास डी, अब यहाँ पे इधर पूरी हमारे पास जो हिस्ट्री है v1, ये हमारे पास पूरी इसकी इधर हिस्ट्री आ गई, क्या क्या मौजूद फाइल मौजूद है, मैं इसको ऊपर करता हूँ थोड़ा। हिस्ट्री आ गई तो फाइल का साइज कितना है, कॉपी कब बनी, अब इसी तरीके से क्या है डॉकर हिस्ट्री के साथ एक हमारे पास है इंस्पेक्ट, डॉकर आई एन इंस्पेक्ट है, डॉकर इंस्पेक्ट है, हमने इस पर एंटर किया, ये भी हमारे पास तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देगा। यार INSPACT
रहा तो हम इसको फिर सर्च करेंगे। सर्च करके हम आए इधर, इधर आए, यहाँ पे इधर आए, इधर हमने क्लिक किया डॉकर इंस्पेक्ट कमांड। अभी एक चीज़ हमें और करनी थी, वो रह गई PECT। मैं PECT डॉकर इंस्पेक्ट, ये हमारे पास पूरी हिस्ट्री एक एक चीज़ उसने हमें आप उसने बताई है, आईडी क्या थी, वर्जन क्या है, रॉ क्या है, कब बनी, किस तारीख को बनी है, सारी चीज़ें, डोमेन नेम। और हमारे पास नीचे आए तो कहाँ थी, एंजिनेक्स पे थी, डीमेन जी नल, और ये सारी जो फाइल हमारे पर लेयर्स की भी उसने हमें चीज़ें दे दी, लास्ट लास्ट टैग नेम हमारे पर, ये भी चीज़ आ गया, मेटा डेटा। मैं बस ने प्रॉपर एक हिस्ट्री दे दिया, अगर हमारे पर डॉक पुश हो गई हो तो वो यस, ये हमारे पास क्या थी, इधर पुश हो गई, इधर आए डॉकर हब, रिफ्रेश किया, ये रिफ्रेश हो गया। अभी हमारे पास नॉट स्कैन लिखा हुआ है, क्योंकि इसने लिखा है क्योंकि वो नहीं है अनऑफिशियल है, ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल होती तो यहाँ पे इसका साइन आ रहा होता। मैं इसको बंद कर देता हूँ, नहीं 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 वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमने कैसे किया हुआ, यहाँ पे डॉकर पे आए, कमांड क्या है, डॉकर रन डी नाइम, न्यू नेम आया हमारे पास, माइनस वी लिखा हमने, माइनस वी लिखने के बाद फिर हमारा यहाँ जिस फोल्डर की लोकेशन देना चाहते हैं फोल्डर की लोकेशन आ गई, और फिर यहाँ पे ऐप डॉक नेम ऐप आया, फिर इमेज का नेम आ गया। ये तरीका है, अभी हम इसको कॉपी करेंगे, ये आ गया हमारे पास मार्स डी के नाम से फोल्डर आ गया। ये मैं बाकी फाइल कम करूँ, अब कुछ फाइल्स यहाँ पे और भी हमारे पास कमांड्स मौजूद हैं, ये तीन तीन चीजें बड़ी चल रही हैं इस पे एक साथ। डॉकर मैं इसको भी कॉपी करके रखता हूँ, होम लिनक्स यूजर शेयर ऐप इमेज नेम। अब शेयर लिनक्स में हमारे पास ये वो पोजीशन है जहाँ हमारे पास इस वक्त ऐड मौजूद है, उसके बाद फिर ये यहाँ से डाटा उसको उठाना है, फिर एंजिनेक्स डॉट लेटेस्ट यहाँ पर वर्जन का नेम है, इमेज नेम, हाँ यहाँ पे हमारे इमेज का नेम आएगा, अच्छा नोट जी हमारे पे पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद फिर हमारे पास कुछ छोटी मोटी सी कमांड्स और हैं जिनको हम देखते हैं, या फिर हम डायरेक्ट कुछ पुश वाले काम शुरू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे मैंने कंट्रोल बी किया, ये हमारे पास पूरी पोर्ट आ गई एंजिनिक्स लेटेस्ट। अच्छा अब मेरे पास जो एड्रेस है, अच्छा एक कमांड जाने से पहले एक चीज़ देखनी पड़ेगी, ये हमने मैंने डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट किया। अब क्या लिखना है, PWD। अब इस पूरी यूज़र आईडी को कॉपी करना है, नहीं पहले मैं वो वाली कमांड लिख दूँ फिर उसको कॉपी करूँगा, PWD डॉकर पुश कंट्रोल वी, ये मेरे पास कमांड आ गई।
अब मैं ये भाई ये जो प्रॉपर एड्रेस नेम लिखा हुआ है मैंने इसको उठाया कंट्रोल इंसर्ट से, तो यहाँ होम जो लिनक्स है होम लिनक्स की जगह मैंने ये वाला एड्रेस पुट कर दिया। टाइम ले रहा है होम लिनक्स यूजर शेयर इंजीनियर सही है सही है सही है। हम तो ये पहुंच गए इधर आए इधर 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 इसको हम इधर लाए क्योंकि मैं जानूंगा ये डिलीट करने के बाद हमने आपको इसको फेस किया। ये चल गया कहेंगे इतना मुझे बुरा लगता है ये काम करने बैठो। ये हमारे पास कुछ कमांड्स हैं रन इमेज पीएस माइनस सारी इमेजेस हमें आ जाएंगी ये सारी चीज़ें एक वीडियो स्क्रीन और बनानी ही पड़ेगी। इस पर मेरे पास ये काम अभी नहीं कर रहा है। अच्छा पहले तो मैं इस पर कंटेनर तो चलाना ही तो चला के जाएंगे। अच्छा मैं यहाँ पर होम लिनक्स की जगह मैं अपने एड्रेस डालू मान लिया वहाँ से नीचे स्पेस। अच्छा इसके अंदर ये जो नोड ये नहीं ये डॉकर ऐप का जो बॉक्स है ये हमारे पास होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। डेस्कटॉप सही है माउस ग्राफन ये भी हमारे पास किस में आना चाहिए ब्रैकेट में आना चाहिए। और इससे पहले हमारे पास एक स्लैश आना चाहिए। ये हमारे पास एक प्रॉपर फाइल हो गई। अब इसके अंदर नोड जेस प्रोजेक्ट यूजर शेयर या एंजिनक्स की वही रहेगी और लेटेस्ट। अब हमारे पास हमारा हमारे उसका नेम क्या था मास डी डॉट V1 ये हमारे पास टोटल इसका वर्जन था। अब इसको लेगा पी डी ये रन हमारे पास कमांड थी। हम यहाँ आए यहाँ हमने वी किया कंट्रोल वी एक एरर दे रहा है इसको शुरू में गैप क्यों आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ से भी गैप उठा लिया था। छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हम ये चीज़ इतनी ख़राब कर देती है। देखते हैं क्या हमें चीज़ें मिलती हैं। ये हमारे पास चली गई। अब हमारे पास जो ऐप है उस ये जो ऐप है हमारे पास जो जो भी फाइल थी हम जो भी हम इसके अंदर चेंजेस करेंगे वो हमारे पास इसमें रहेंगी। ऑलमोस्ट हमारे पास रन हो गई है। अब चेंजेस करने के लिए हमारे पास क्या होता है इफ़ सी डी ऐप के अंदर आए एको मास डॉट टेक्स्ट फाइल डॉट टेक्स्ट इसके अंदर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे जो चेंजेस जो भी हम चेंज करेंगे हमें यहाँ पे चेंजेस जो होंगे नज़र आएंगे। चेंजेस से क्या मुराद है अब हम जाके इस ऐप के अंदर थोड़ी सी तो मैंने भी किया भी अलग फोल्डर के अंदर है। चलो फोल्डर का तो मसला नहीं है। जो हमारी जो इमेज है वो इम्पोर्टेंट है। उस इमेज की कमांड से हमारे पास जो सारी चीज़ें थी वो हमारी चल गई हैं। अच्छा अब इसकी मिसाल ऐसी है कि मैं अगर उसके अंदर आऊँ
अपने फोल्डर के अंदर जो HTML इंडेक्स फाइल थी उसके अंदर मैं चेंज करूँगा, उसको मैं सेव करूँगा। जब मैं उसको डिलीट करूँगा तो मेरे पास वापस भी जब मैं रन करूँगा तो मैंने जो चेंजेस की थी वो चेंजेस मेरी अपनी उसी जगह पर मौजूद रहेंगी। ये फ़ायदा है हमारा इसके ज़रिए से, ये सारे काम करने का हमारे पास जो फ़ायदा है वो ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा बैक आता हूँ, बैक मेरे पास मुझे वैसे ही आना पड़ेगा, CD और डॉट, ऐप आ गया। अब ऐप के अंदर मैं इंडेक्स NANO INDA इंडेक्स डॉट HTML नैनो, मैं उस ऐप के अंदर आ गया, इस कमांड के जरिए से ऐप के अंदर आ गया। अब मैं यहाँ मास डॉकर की जगह कर दूँ, एक मिनट, मास डॉकर की जगह मैं इसको कर दूँ मास WARSI। अब मैंने इसको क्या करना है, अब मुझे इसको सेव करना है। सेव इसको कैसे करते हैं, एक्सिट करूँगा, मैं कंट्रोल एक्स दबाया, मैं एक्सिट हुआ। अब पूछ रहा है कि सेव करना है नहीं करना, मैंने वाई दबा दिया, यस मुझे सेव करना है। मैं एंटर करूँगा, ये फाइल मेरे पास क्या हो गई, बाहर आ गई। अब मैंने ऐप के अंदर चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं इधर आके मास अभी 801 पे फाइल नहीं चल रही, मैं फाइल किस पे रन किया इसको, आपको याद हो कि मैंने फाइल को रन किया है 309 पे, तो मैं ये कॉपी करूँगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, लोकल लोकल होस्ट डैश वी 309, मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ आया, अरे इंडेक्स हमारे पास फाइल के अंदर हम पहुंचे, यहाँ तक एरर आया। अच्छा, अब एग्जीक्यूट की फाइल हमारे पास मौजूद थी, नैनो डॉट एग्जीक्यूट की हमारे पास फाइल मौजूद थी, उसके जरिए से